हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू इरा पाठशाला एजुकेशन और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री पे, उसकी मैंने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 जो है ऑलमोस्ट फिनिश करा चुकी है। 8.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। आज जो हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो एंड ट्राई टू शेयर ऑल दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव गिवन अस, लिखा हुआ है इफ द 10 टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहला जो कंडीशन दिया है यू हैव टू लुक एट दिस। ठीक है, आपको ये जो भी उन्होंने कंडीशन दिया है उसको देखना है। उसके बाद दूसरी क्या चीज दी है, दैट इज एक्यूट एंगल। साफ साफ कहा है ये जो 2a है दैट इज एक्यूट एंगल। इट मींस व्हाट इज एक्यूट एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे, 2a जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लेस देन 90 डिग्री। गॉट इट। तो अभी देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, राइट? ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, हम मैंने जो भी प्रीवियस वीडियोस आपको कराई है वहां मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसमें बताया था कि कभी भी 10 90 माइनस समथिंग होता है दैट इज इक्वल टू कॉट समथिंग। समझ में आया? वो समथिंग क्या है, a है। तो मैंने यहाँ पे क्या एंगल दिया है, मैंने a लिया है और इसीलिए मैंने कॉट a ले लिया है। क्लियर हो गया? सिर्फ द सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हियर। इट मींस आई कैन राइट हियर 10 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस ऑफ 2a। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब कि अगर मेरा सेम इसी तरह से ये भी होता है कि cot 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 समथिंग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे जिसको भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सेम यहाँ पर भी वो एंगल लिखते हैं। तो इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारा एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज विजिट ऑन दोस वीडियोस। ठीक है, अच्छा इस इक्वल्स टू किसके बराबर लिख लोगे, लेट्स आई इरेज दिस पोर्शन। ओके फाइन, ये इरेज कर देते हैं बिकॉज वी नीड नॉट दिस पोर्शन वन। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास है, कॉट ए माइनस ऑफ 18 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट, दैट इज 90 माइनस ऑफ, तो किसके बराबर था, दैट इज इक्वल टू 10a। तो हमारा यहाँ पे देखिए 10a था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। देन cot a से cot a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस वी विल गेट हियर 90 माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू a माइनस ऑफ 18 डिग्री, राइट? ओके, लेट्स इरेज दिस वन ऑल्सो। अच्छा, आगे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। तो आप क्या करोगे, जो भी AA है ना उसको एक साइड ले लीजिए और जो भी एंगल एंगल उनको एक साइड ले लीजिए। मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज प्लस ऑफ 18 डिग्री, 90 प्लस ऑफ 18 डिग्री, बिकॉज हम ये जो 19 है दैट इज ऑन आर राइट हैंड साइड, वी विल ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 18 अगर इधर से इधर आएगा इक्वल्स टू किस साइड आएगा, तो पॉजिटिव हो गया। एंड सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हियर फॉर a। तो 2a जब इस साइड को आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, नेगेटिव पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना होगा, 3a। और यहाँ पे देखिए 18 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 100a। इसका मतलब वी कैन डिवाइड दिस 108 बाय 3। अगर करते हैं तो 3 3s आर 9 और 3 6s आर 18। इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एज दे हैव आस्क फ्रॉम अस। ठीक है, तो जो भी हमें पूछा था हमने उसकी वैल्यू निकाल दी है, तो वो आपको पता चल गया है द वैल्यू ऑफ a। नाउ वी विल जो है लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। एंड व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 आस्क फ्रॉम, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड बिफोर दैट दे हैव गिवन अस समथिंग, दैट इज इफ द 10a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमसे एक कंडीशन दी है, उन्होंने कहा 10a किसके बराबर है, cot b के बराबर है। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दिस दैट a प्लस 3 द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b अगर इन हम प्लस कर देते हैं then that will be equals to 90 degree, we have to prove this। ठीक है, let's see how we can solve this question। guys करना कैसे है आपको, सबसे पहले मैंने अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट द सेम थिंग, आपको बताया था एक कंडीशन कि हमारे पास क्या होता है। देखिए यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10, 90 माइनस समथिंग दैट इज इक्वल टू क्या होगा, cot हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे cot 90 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 10 a के बराबर. क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. बट अब क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ये 10a ही ले लीजिए, इज इक्वल टू कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉट को अगर मुझे 10 बनाना है, पर 10 क्यों बना रही हूँ, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए. अगर एक जैसे टर्म दोनों तरफ आएगी, मान लीजिए अगर यहाँ भी 10 मिल जाए, यहाँ पर भी 10 मिल जाए, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना. इसीलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन दोनों को कॉमन बनाने की कोशिश करूंगी. तो अब मैं क्या करें, देखिए इस कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 90 माइनस ऑफ b. क्लियर हो गया ना? कॉट 10 90 माइनस ऑफ b किसके बराबर होगा, कॉट b के बराबर होगा. जैसे कि इस कंडीशन में दिया हुआ है 10 90 माइनस समथिंग हमेशा क्या होता है, कॉट समथिंग होता है. ठीक है, या फिर 90 माइनस ऑफ a जो समथिंग है मेरा a यहाँ पे. ठीक है, वो a कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी 30 डिग्री, कैन बी 60 डिग्री, कैन बी 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये 10 से देखिए 10 कैंसिल आउट हो गया. और जो मैं आपसे कह रही थी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं इसको इक्वल करने की क्यों कोशिश कर रही हूँ, या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट रेशियो में क्यों चेंज करना चाहती हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ ताकि क्या हो जाए, आपस में कैंसिल आउट हो जाए. क्लियर हुआ? अब ये कैंसिल आउट हो गया है. नाउ यू कैन लुक एट हियर, देखिए यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ b. अगर ये b इस साइड को लेके आती हूँ, इफ आई ब्रिंग दिस b ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एंड द सेम थिंग वी हैव टू प्रूफ, राइट? ये तो हमें प्रूफ करना था और वी हैव प्रूफ हियर. क्लियर हो गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला हुआ है, कहा गया है सेकंट 4a इज इक्वल टू कोसेकंट a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. की क्या करनी है हमें, वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ओके फाइन गाइस. तो मैंने आपको बताया था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का कैसे रिलेशन है वो भी आपको मैंने बताया है. ठीक है, अब देखिए वही सेम हम यहाँ पर फिर से अप्लाई कर रहे हैं. देखिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बताया था कि हमारा टारगेट क्या रहता है, हम सेम कर लें, या तो इसे सीकेंट इसे भी सीकेंट कर लें, या इसे कोसेकेंट इसे भी कोसेकेंट कर लें. और रीजन क्या बताया था, इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? तो देखिए करना कैसे है, मैं इस कोसेकेंट को देखिए, जो आपके पास कोसेकेंट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, सेकेंट ए के बराबर होता है. इसका मतलब कि मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ कोसेकेंट 90 माइनस ऑफ ए. तो यहाँ पे एंगल कितना है गाइस, 4a है, तो मतलब कितना करूंगी मैं, 4a. तो देखिए कोसेकेंट किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंट में. तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस कोसेकेंट आ जाएगा, कोसेकेंट इसे मैं रेस कर देती हूँ. तो कितना होगा, a माइनस ऑफ 20 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब देखिए ये कोसेकेंट से ये कोसेकेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. इसका मतलब कि 90 माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू a माइनस ऑफ 20 डिग्री. ठीक है, अब एक काम करते हैं, a को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं. इसका मतलब 90 प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 4a. a प्लस ऑफ 4a इज इक्वल टू 5a, एंड 90 प्लस ऑफ दिस दैट इज 110. व्हाट इट, 90 प्लस ऑफ 20 110 आता है. ओके फाइन, लेट्स आई डिवाइड दिस 110 बाय 5. इफ आई डिवाइड दिस 5 टू से 10 एंड 5 टू से 10 इक्वल्स टू a, मतलब कि द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. तो इसका मतलब क्या है, क्या कहा गया था हमें क्या करना है, देखिए बोला हुआ था कि a की वैल्यू निकालनी है. एंड द सेकेंड थिंग इज, जो 4a आएगा वो क्या आना चाहिए, एक्यूट आना चाहिए. नाउ यू कैन प्रूव दिस बाय योरसेल्फ, कि देखिए है क्या बोला था, जो 4a होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा. एंड व्हाट इज मीन बाय एक्यूट, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री. गॉट इट? तो नाउ वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 22 डिग्री. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 22 इन इट. ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 88 डिग्री. इट मींस द वैल्यू ऑफ जो है 4a इज इक्वल टू 88, एंड यू कैन सी बाय योरसेल्फ दैट इज द वैल्यू ऑफ 4 इज लेस देन 90 डिग्री. इट मींस इट इज अ एक्यूट एंगल. आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो भी हमने आज कवर किए हैं आपको समझ में आए होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल अमंग योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू टू ऑल.